अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका भाई एस एम रहीमुद्दीन खादरी। टाइगर अभी जिंदा है, एस एम रहीमुद्दीन खादरी अभी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज 6 जुलाई है और सैटरडे का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं जेल से रिहा हुआ हूँ, आज जेल से आया हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को जेल से लाने वाले मेरा भाई ख्वाजा अलीमुद्दीन, जो हैदराबाद शहर का सबसे बड़ा सोशल वर्कर है, जो हमेशा अपनी जान पे खेल के माशाल्लाह गरीबों की, मजलूमों की, हर किसी की मदद करते अल्हम्दुलिल्लाह। आज इतनी बड़ी मदद मेरे ख्वाजा अलीमुद्दीन, मेरा छोटा भाई और हसन बाबा वजीर मेरे भाया, मेरे को जेल से लाए। मैं ऐसा मंद हूँ कि हमारा हसन बाबा वजीर मरूम, मेरा भाई शेख सईद बाबा वजीर मरूम के भाई छोटे हसन बाबा वजीर, जो आज दोनों मिलकर मेरे को जेल से ले गए अल्हम्दुलिल्लाह। मरे अंत तक मैं हक्का साथ देते रहूंगा, मजलूमों की आवाज बनकर मैं मजलूमों का साथ देता रहूंगा। मैं हक पे था, मैं जेल जाकर आया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट करूँ, जो मेरे को जेल को पहुंचाए, फेक के साथ मत डालो किसी पे भी। मेरे भाई अल्लाह देख रहा, अल्लाह हक का साथ देने वाला अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हक का साथ देते रहूंगा, मजलूमों का साथ देते रहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह मरे अंत तक। चाहे मैं जेल को जान दो या मैं मर जान दो या मेरा मर्डर हो जान दो, मैं मजलूमों का साथ दूंगा। और मैं अल्लाह अल्लाह के रसूल के बाद मैं खुसूसन मेरे भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी आस खत्म हो गई थी, मेरा मैं जेल में कैसा वक्त गुजारा, अल्लाह का जिक्र करता रहा, अल्लाह की इबादत करता रहा। ये दोनों फरिश्ते के वैसा है, ख्वाजा अलीमुद्दीन और हसन बाबाजीर को अल्लाह अच्छा रखो, दोनों भाइयों को दुश्मनों से महफूज रखो परवरदिगार। जो आज हमेशा जैसा मदद करते थे मजबूर की फरिश्ते के जैसा आके ऐसे मरीमुद्दीन खादरी की मदद करे। और मेरे भाइयों, मैं हमेशा कहता हूँ और एक बात बोलकर मैं खत्म करता हूँ, अपने मरहूम वालदा वालिद के लिए दुआ करिए, अपने सगे भाई बहनों के लिए मिलकर रहिए, अगर अपने माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत करो, अपने खून से मिलकर रहो। और ये भाइयों के लिए दुआ करो, ख्वाजा अलीमुद्दीन के लिए, हसन बाबाजी के लिए दुआ करते रहो, अल्लाह ताला इन लोगों से और खिदमत ले और मजलूमों की मजबूरों की खिदमत लेता रहे। और एक चीज मेरे भाइयों, थोड़ा सोचो, आप लोग जेल में जो आदमियां रह रही, जेल में जो लोग रह रहे, इतनी तकलीफ में रह रहे, इतनी तकलीफ में रह रही, 5,000-10,000 श्रेणी के पैसे नहीं है डीडीकेटों के पास, दो दो साल से 21 साल से जेलों में सड़ लगे। तो मेरे भाइयों, मैं इतनी मुश्किल से निकला, मेरे भाई हमें को निकालेगी, तो सोचो वैसे जनों को निकालो जेल से। इंक्वायरी करो, 5 जने फेक केसों में अंदर सड़ रहे जेलों में, 5 जने बेगुनाह है, माँ बेटे का इंतजार कर रही, बीवी शोहर का इंतजार कर रही, बच्चे बाप का इंतजार कर रहे, वैसे लोग जेल में 10,000 के लिए, 5,000 के लिए, 20,000 के लिए। इंक्वायरी करके पैसे जरूर कुछ पढ़ाओ, इतना बड़ा सवाब है। सोचो आप लोग, एक परिंदे को, कबूतर को पिंजरे में से छोड़ते हैं पर इस्लाम में, तो एक इंसान को अगर जेल में से निकालेंगे, पिंजरे में से निकालेंगे, तो कितना बड़ा सवाब मिलेगा मेरे भाइयों। वैसे की मदद करो आप लोग, तो दुआ में याद रखिए, मैं आपका भाई एसएम रहीमुद्दीन खादरी। टाइगर अभी जिंदा है, एसएम रहीमुद्दीन खादरी भी जिंदा है। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे हसन नवाज़ रहीम भाई आ जाए, बहुत खुशी हुई। मई अलीम भाई जो करे, एक ही बात है, कलमे की बुनियाद पे रहीम भाई जो पहले से बोलते थे सबसे मिलो, और रहीम भाई के जितने भी दुश्मन आए, जो हो गया होगा रहीम भाई भी देख के आए हुए, इसीलिए लोगों से दिलों में रखो, रखो भाई, कलमे की बुनियाद पे माफ कर दो, आप ही और रहीम भाई भी माफ कर देंगे इंशाल्लाह। सबको बोल रहा हूँ मैं, जितने भी लोग आए सबको बोल रहा हूँ, और इंशाल्लाह मजलूमों का काम जो करते थे वो बराबर करते रहेंगे। जो हो गया हो गया, अल्लाह ताला ठोकर के बाद राहत देता। रहीम भाई जो ऐसो जेल में थे, अल्लाह ताला उनको हिदायत दिया, उन्हें बाहर आए, फिर वही काम करेंगे इंशाल्लाह, बराबर वो काम करेंगे, जो गलतियां हो गए फिर नहीं होंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, खुदा अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन सोशल वर्कर, आज रहीम भाई आए, बहुत खुशी की बात है मेरे भाई। रहीम भाई के ऊपर फाल केस मत डालो मेरे भाई, कभी आप लोग जाके जेल में देखो एक दिन कैसा गुजरता, माँ बाप के ऊपर क्या बीत थी। आप लोग ऐसा केस डाल दे रहे, बहुत बुरी बात है। जेल में रह के अगर आदमी कुरान शरीफ उठा के या नमाज पढ़ के आप लोगों को बदवा देगा, तो कभी खाली नहीं देंगे बदवा, याद रखो मेरे को। हमारा काम है, चाहे कारपेंटर रह दो, एमएलए रह दो, हमारा काम है हम बताने का। हमारा को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना एमएलए से दुश्मनी है, ना कारपेंटर से दुश्मनी है। हमारा काम ये है कि हम काम बताने का है हमारा, कोई हमारे को एमएलए बनना नहीं है, ना कोई कारपेंटर बनना है, ना कोई दिल्ली का लीडर बनना है हमारे को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किराए की जिंदगी, किराए का घर है हमारा, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रोड पे चलने वाला भी हम सलाम कराते, वालेकुम सलाम बोलते, तो हमारा काम हमारा जारी रहेगा। रहीम भाई का काम जारी रहेगा। रहीम भाई से जो दुश्मन है मेरे भाई, कल्याण की बुनियाद पे मिल लो, हर किसी से गलती होती। अगर आप जेल में अगर इफ़ाल केस डाल के फिर डालेंगे, कुरान शरीफ उठा के नमाज पढ़ के ताजिब की, हर नमाज में अगर हथड़ा मारेंगे, तो आपके घर के ऊपर बहुत बड़ी बला आती।
देर होंगे अधूरे होंगे मगर बदवा रखती मेरे भाई। मैं दबन गुजारित करता हूँ रहीम भाई आए अलहमदिल्ला यहाँ से इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। जो भी इनके दुश्मन है मेरे भाई कल मैं उनके बुनियाद पे आप लोग हमें लीजिए मेरी ईद भाई असला वाली तो रहमतुल्ला जी बरकात चलो वीडियो बनाओ कर दो भाई देखो।